पुरुषोत्तम संगम युग पर किस चीज की वैल्यू करनी चाहिए? पुरुषोत्तम संगम युग पर अष्टदेवों का क्या पुरस्कार? पुरुषोत्तम संगम युग में अष्टदेव नई दुनिया की परिवार की पहली इकाई है। क्या नई दुनिया जो बनेगी उस नई दुनिया की पहली पारिवारिक इकाई सबसे ऊंची आत्माओं की होनी चाहिए या नीची आत्माओं की होनी चाहिए? वो सबसे ऊंची आत्माएं हीरे हीरे ही होना चाहिए या और रतन भी होने चाहिए? तो आठ ही हीरे है, वो हीरों की दुनिया तैयार होती है। सतयुग है सोने की दुनिया, त्रेता है चांदी की दुनिया, द्वापर है तांबे की दुनिया, कलयुग लोहे की दुनिया। तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों से पूछो, संगम युग काहे की दुनिया है? ये भी तो युग है। युग है या नहीं? ये भी युग है। तो ये हीरे का युग है, संगम युग मौजों का युग है, रोशनी ही रोशनी का युग है। दुखी वो होते हैं जिनमें हीरे जैसी चमक नहीं होती है ज्ञान की, या जो रोज क्लास नहीं करते हैं। रोज बाबा का क्लास करते भी हैं तो बुद्धि बाहर की दुनिया में धरी रहती है। नहीं तो बाबा ने मुरली में कहा है, सर्व समस्याओं का समाधान रोज की मुरली से मिल सकता है। कुछ भी दुखी होने की बात नहीं, कुछ भी शोक करने की बात नहीं, कुछ भी बाबा के सामने कंप्लेंट करने की बात नहीं। क्यों कंप्लेंट करते हैं? क्योंकि बुद्धि में ज्ञान नहीं है, ज्ञान के प्रति आकर्षण नहीं है, लगाव नहीं है। भगवान आकर के हमको क्या देता है? अभी क्या दे रहा है? अभी मुक्ति दे रहा है? अभी जीवन मुक्ति मिल रही है? नहीं। क्या दे रहा है भगवान? क्या चीज है भगवान? रोशनी है। कौन सी रोशनी? स्थूल ज्ञान की रोशनी। ज्ञान माने जानकारी। किस बात की जानकारी? झूठ की? सत्य बातों की जानकारी। तो भगवान मिला माना भगवान का ज्ञान मिला, उसकी कदर नहीं करनी चाहिए है? अरे पेट में तो दो रोटी चाहिए पुरुषार्थ करने के लिए, बाकी तो सारा बैंक बैलेंस में धरा रह जाएगा। क्या कितना भी धंधे धोरी में नाक रगड़ लो, पेट में दो रोटी जाती है बस। सारा सोना चांदी जमीन में गड़ा रह जाएगा, आगे चल के चोर लुटेरों डकैतों की दुनिया बनने वाली है। तुलसीदास ने कहा है, सबे चोर डकैत मंगता हो गए। तो चोर चोर चोरी करके ले जाएंगे, डकैत छीन के ले जाएंगे, आग लगेगी सब कुछ भस्मीभूत कर देगी। तो किस चीज की वैल्यू करनी चाहिए है?
ज्ञान की वैल्यू करनी चाहिए।